हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिल भाटी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ साथियों एक वंडरफुल सेशन के अंदर। आज की हमारी क्लास फिजिक्स की होने जा रही है और ये क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्लास के अंदर साथियों हम फिजिक्स के वे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एयरफोर्स नेवी और एनडीए प्लस नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एयरफोर्स और एनडीए और नेवी के लिए तो इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन ही वे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, एयरफोर्स हो, नेवी हो चाहे एनडीए हो। तो इन क्वेश्चनों को आज आप इस क्लास के अंदर आ चुके हो तो इन क्वेश्चनों को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है आपने, ठीक है, और क्वेश्चन को देखते ही उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना है मेरे सॉल्व करने से पहले। तो मैं बिना देरी के साथियों स्टार्ट करता हूँ इस क्लास के सेशन को, और इस क्लास के सेशन के अंदर जो क्वेश्चन है बहुत कमाल के है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, इसका 1/64 का भाग कितने समय के बाद शेष रहेगा। साथियों अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये क्वेश्चन कौन से भाग से लिया गया है फिजिक्स के, तो फिजिक्स के न्यूक्लियर फिजिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है, परमाणविक भौतिकी टॉपिक से जो हमारी यूनिट होती है, आप यूनिट भी बोल सकते हो आप टॉपिक भी बोल सकते हो, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक भी अजमाई जाती है और एक कॉन्सेप्ट भी अजमाया जाता है। तो बात करता हूँ सबसे पहले साथियों में एक कॉन्सेप्ट की, किसकी कॉन्सेप्ट की, तो बिना देरी के स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा एन अपॉन एन नोट बराबर होता है 1/2 की पावर n, एन का मान और एन नोट का मान हमें दिया है 1/64, तो 1/64 बराबर 1/2 की पावर n, और बच्चों 1/64 को मैं लिखूंगा 1/2 की पावर 6 बराबर 1/2 की पावर n, इसलिए अगर बेस समान होता है तो भाग बराबर, तो n का मान कितना बच्चों 6 हो जाएगा भैया। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि हमारा टोटल टाइम जो होता है वो n गुणा t हाफ के बराबर होता है, मतलब अर्धायु काल की गुणा के बराबर होता है। तो टोटल टाइम बराबर n का मान 6 और t हाफ का मान 1600, तो बच्चों बताइए कितना आया, 9600 वर्ष आया है नहीं आया, तो टोटल टाइम कितना है 9600 वर्ष। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बना, ठीक है, तो इसके लिए एक और अजमाई जाती है कॉन्सेप्ट की, यो कह रहा है कि 1/64 का भाग, कौन सा भाग, 1/64 का भाग कितने समय बाद शेष रह जाएगा, ठीक है। तो हमसे टाइम तो पूछा ही है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का 1/64 का भाग कैसे सोल्व कर सकते हो, आप अगर एन ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालो जैसे कि मैंने फॉर्मूले से निकलवाया है, नहीं तो आप ऐसा करो, माना कि हमारे पास किसी भी चीज का किसी भी तत्व का भाग एक है टोटल, उसका एक अर्धायु काल जब होगा मतलब n बराबर 1 तो वो हाफ हो जाएगा, और जब दूसरा होएगा तो 1/4 हो जाएगा, और जब तीसरा चलेगा तो 1/8 हो जाएगा, और जब चौथा चलेगा तो 1/16 हो जाएगा, और जब पांचवा चलेगा तो 1/32 हो जाएगा, और जब छठा रहेगा तो जब होएगा 1/64 भाग, कितना हो गया बच्चों 1/64 होगा। जब 1/64 में भाग की बात कर रहा है तो कितने में हो रहा है, n बराबर 6 में, तो n बराबर 6, फिर दोबारा से आप यही फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा आपका। बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की, ये होता है कि हमारा परिणामी, और हमें बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात याद रखनी है कि अगर किसी भी चीज का परिणाम पूछता है तो उसमें यही बल, जैसे बल का परिणाम पूछ रहा है, फिर किसी भी चीज का परिणाम पूछ रहा है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। कह रहा है दो बल बराबर है तो F1 बराबर F2 बराबर में F कह रहा हूँ, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है, थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखता है, इन्हें कहा इसका परिणामी बल इतना है, तो F बराबर परिणामी होता है अंडर द रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, पता होगा तुम्हें F1 F2 cos थीटा, तो cos थीटा का मान 90 डिग्री, और cos 90 का मान होता है बच्चों 0, तो यहाँ पर अगर मैं cos 90 रखूंगा तो 0 मतलब सब कुछ 0, बच्चा हमारा इसका मान है 14.14, परिणामी है क्योंकि F1 का मान और F2 का मान F है, तो F² + F², ठीक है बच्चों, तो 14.14 = 2F का स्क्वायर अंडर द रूट, रूट 2 तो रहेगा लेकिन F बाहर आ जाएगा स्मॉल F, रूट 2 का मान होता है बच्चों 1.414 14.14 × F, हमें चाहिए स्मॉल f, तो 14.14 / 1.414, तो पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ेगी कटेगा, तो कितना आता है बच्चों 10 न्यूटन आता है, तो हमारा अगर f का मान 10 न्यूटन आया है तो f तो F1 के भी बराबर F2 के भी, तो दोनों प्रत्येक का परिणाम पूछ रहा था तो दोनों का परिणाम हमारा 10 न्यूटन आया। लेकिन आपको एक क्या याद रखनी है बच्चों, ट्रिक्स याद रखनी है, क्या ट्रिक्स याद रखनी है, अगर आपको F1 और F2 दे दिया जाए, क्या दिया जाए आपको F1 और F2 दिया हो, तो बच्चों करना क्या है, जब हमें F1 और F2 देता है
तो इसके अंदर एक खास बात याद रखनी है, हमसे पूछता है मैक्सिमम परिणामी बल और हमसे पूछता है मिनिमम परिणामी बल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बल मैक्सिमम होगा तो कब होगा? जब भैया थीटा का मान जीरो होगा, क्यों? क्योंकि कोस है और कोस जीरो का मान प्लस का मान होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमारे जब यहाँ पर कोस जीरो रखा जाएगा तो कोस जीरो का मान होता है वन, तो वन रखा जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एफ वन का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर टू एफ वन एफ टू, जो कि एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो एफ वन प्लस एफ टू बच जाता है। और अगर आप मिनिमम वैल्यू पूछते हो तो एफ वन माइनस एफ टू हो जाता है। क्यों भैया माइनस क्यों है? क्योंकि मिनिमम वैल्यू कोस 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और तुम्हें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इस तरीके से साथियों तुम क्या निकाल सकते हो, तुम इसका परिणामी भी निकाल सकते हो, इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान भी निकाल सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि एक ही धातु के तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, इनको समान बल द्वारा आरोपित किया जाता है, तो उत्पन्न प्रतिबलों का अनुपात बताओ। तो बात करते हैं प्रतिबल क्या होता है। तो बच्चों प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं प्रतिबल को मैं टी से रिप्रेजेंट कर दूं तो बताओ मुझे बच्चों टी व्युत्क्रमानुपाती बना को आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा नहीं होगा? तो मतलब इसका रिलेशन कैसा बनेगा कि भैया टी वन अपॉन टी टू बराबर होगा आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भैया ऊपर टी वन है तो आर वन नीचे रहेगा, और टी वन ऊपर है तो आर वन कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो बिल्कुल सेम है, इनने कहा अनुपात है 2:1 का, किसमें? त्रिज्याओं में। तो भैया इसका अनुपात कितना है? आर वन का मान है 2 और आर टू का मान है 1 का होल स्क्वायर, कितना होगा? 1/4। तो बच्चों को बताओ आपको समझ में आया प्रतिबलों का अनुपात? अगर मैंने टी से रिप्रेजेंट करके मैंने कुछ गलत नहीं करा, आप टी से कर लो किसी से भी कर लो, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन बना, तो रेशो बना 1:4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसी 64 पारे की गोलियां प्रत्येक पर विभव कितना? 10 वोल्ट है, मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाती है, तो प्रत्येक गोली पर सतह पर विभव कितना होगा? प्रत्येक गोली की सतह पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक धारिता के सारे कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा धारिता के टोटल कॉन्सेप्ट का, और टोटल कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गोलियों से, ठीक है, कि छोटी छोटी गेंद मिलकर बड़ी गेंद बनाती है, छोटी छोटी त्रिज्या इतनी है तो बड़ी त्रिज्या कितनी होगी, छोटा विभव इतना है तो बड़े का विभव कितना होगा, जब गेंद बन जाएगी तो बड़ी चीज बन जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से तो मैं बात करता हूँ विभव के बारे में, तो V डैश बराबर होता है और 2/3 × V, जो पहला विभव है। कैसा विभव है? जो पहला विभव होता है बच्चों, और जो हमसे पूछता है वो ये वाला विभव होता है, और ये जो होते हैं ये संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है। तो बच्चों कैसा करेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे? 64 की होल पावर 2/3 × 10, क्योंकि 10 वोल्ट दे रखा, 4/3 की होल पावर 2/3, 3 से 3 खत्म, × 10 बराबर 4×16 × 10 बराबर 160 वोल्ट मिलेगा भैया। जो बड़ी बूंद होगी उसका कितना विभव होगा? 160 वोल्ट होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है खुद से, समझ में आई बात? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ही सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि त्रिज्या से भी बनता है, विभव से भी बनता है, स्थिति ऊर्जा से भी बनता है, धारिता से भी बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के पथ की जो त्रिज्या होती है वो किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन भी दिए हुए आवेश के, चुंबकीय क्षेत्र के, वेग के या संवेग के। सबसे पहले बात करता हूं पथ की जो त्रिज्या होती है, आर बराबर होता है बच्चों MV/Q/B, पढ़ा होगा आपने सभी ने, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा। मैं बात करूं जो किसके समानुपाती होगी, बात करते हैं समानुपाती की, तो आर किसके समानुपाती है वो पूछता है। तो देखो क्या आवेश के समानुपाती है? तुम कहोगे नहीं भैया आवेश के तो व्युत्क्रमानुपाती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है? आप कहोगे भैया नहीं, यो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है, तो बी ऑप्शन भी खत्म। बात करते हैं वेग की, क्या वेग के समानुपाती है? लेकिन भैया वेग तो दे रखा, हाँ जी बिल्कुल वेग के समानुपाती है, लेकिन भैया एक ऑप्शन और भी तो पढ़ो, संवेग भी तो दे रखा है,
क्या ये द्रव्यमान इधर उधर ना भेजते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एम आर बराबर पी अपॉन क्यू बी, क्योंकि हम किसी भी राशि को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब हटा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर एम बी क्या बन गया संवेग। तो क्या आर समानुपाती पी के नहीं होगा, आपका भी बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना कि सी। आधे बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन लगाते हैं जो कि गलत होता है। क्यों होता है गलत? क्योंकि भैया फिर राशि हमारी एम बी बच जाती है, फिर तो यहाँ पर एम बी होना चाहिए था, इसलिए संवेग दिया है, दोनों को मिलाकर संवेग बनाकर हम संवेग को समानुपाती बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि हाथी घड़ी के लिए स्प्रिंग की ऊर्जा, तो स्प्रिंग में जो कौन सी ऊर्जा होती है, ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये तो कॉन्सेप्ट आराम से आप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, और साथ में क्वेश्चन नंबर सात मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया है, ठीक है, और कैसा क्वेश्चन कराया है, अभी जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन था कि हजार छोटी छोटी पानी की बूंद मिलकर जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा प्रत्येक पर आवेश स्मॉल क्यू है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव और छोटी बूंद का कितना गुना होगा, मतलब कितने गुना विभव होगा, विभव के बारे में पूछ रहा है। लेकिन सबसे पहले आवेश की बात करते हैं, देखो क्यू समानुपाती बी होता है, क्यू बराबर सी भी आपने पढ़ा होगा, तो जिस तरीके से आवेश बढ़ेगा उसी तरीके से क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, तो विभव इस तरीके से बढ़ता है, V' बराबर n की पावर 2 बटे 3 इनटू V, तो n की वजह क्या रखेंगे 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 और इसकी होल पावर होगी 2 बटे 3 इनटू V, और बच्चों 3 से 3 कट गया अर्धम 100, तो कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आई होगी मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहे हैं बिल्कुल आसान तो आप शेयर करते रहिए सेशन को, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ठीक है बच्चों, हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या को 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार करो जिसे 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करो। किसका क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, सॉरी, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या है, देखो n का मान हमें दिया है, r का मान हमें दिया है, नहीं दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदलेंगे 10^-1 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10^-1 मीटर। 1 एम्पीयर की धारा दी है तो i का मान दिया है प्रवाहित, लेकिन हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो b बराबर होता है बच्चों म्यू नॉट इनटू n इनटू i अपॉन 2r, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है। बात करते हैं म्यू नॉट की, तो इसका मान होता है 4π × 10^-1 के साथ इनटू n का मान हमें 100 दे रखा है, i का मान 1 अपॉन बच्चों 2 गुना r का मान कितना हो जाएगा 10^-1। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करके देखोगे 2 से ये कट गया तो 2π और इनटू 10^, देखो जी ये ऊपर गए तो 3 बनी और 10^-1 के साथ टेस्ला हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बात करते हैं चित्र अनुसार, इस चित्र को ध्यान से देख लो, जिनको ये चित्र ध्यान से चमक रहा है वो आई होप इस चित्र को समझेगा। इस चित्र के अंदर जैसे ही तुम इस चित्र को देखते हो तो हमें एक चीज दिखाई देती है, एक भैया प्लस का 40 माइक्रोग्राम, एक माइनस का 40 माइक्रोग्राम। जैसे ही ये दोनों चमकते आपको तो आपको एक बात याद आती है द्विध्रुव की, किसकी बात याद आती है, द्विध्रुव की। अब द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव पर जो आवेश होता है टोटल आवेश वो कितना होता है, शून्य होता है, क्योंकि टोटल आवेश होता है आवेशों का जो योज्यता का जो सिद्धांत है वो कहता है कि दोनों आवेशों को जोड़ दो, जब जोड़ते हैं तो आवेश जीरो होता है, और जहां पर आवेश जीरो होता है वहां पर समविभव पृष्ठ बनता है, क्या बनता है, समविभव पृष्ठ। और याद रखना समविभव पृष्ठ पर वी हमेशा जीरो होता है, वी हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। जब समविभव पृष्ठ बनता है वी जीरो होता है तो वहां पर जो कार्य होता है बच्चों वो भी हमारा क्या होता है, शून्य होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये चीज ना पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप क्लियर है आपका ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो साथियों हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, देखो ध्यान से कि एक धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पीयर स्क्वायर है तथा इसकी त्रिज्या आधी, त्रिज्या कैसी कर दी आधी, और धारा कितनी कर दी 2 गुना, तो क्या नया चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कुंडली होती है उसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है एन ए आई, और मैंने बताया था एक त्रित्व में मैं मोहनलाल नायक, ठीक है, इसके अंदर फेरों की संख्या 1 मान लेंगे क्योंकि कोई फेरों की संख्या दे नहीं रखी, और ए हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है, आई हमारी होती है धारा। तो मैं बताता हूँ क्षेत्रफल जो कुंडली है तो एम डैश बराबर होगी पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू आई डैश,
क्योंकि अगर इसकी बात करूं तो ये तो हमें दे रखा है 5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एम डैश निकालना है हमें, एम डैश बराबर होगा पाई इंटू आर डैश का मतलब जो त्रिज्या हुई चेंज हुई तो आधी हुई है, तो मतलब पहले की आधी हुई है, इसका स्क्वायर कर दो इंटू आई डैश मतलब दुगनी हुई है तो मतलब पहले की दुगनी हुई है, 2i कर दो। जैसे ही आप इसको सोल्व कर दो तो एम डैश आता है हमारा पाई इंटू आर का स्क्वायर बटे 4 इंटू 2i, तो भैया 2 से 2 कट गया और पाई आर स्क्वायर इंटू आई होता है 5 और नीचे आता है 2 बराबर 2.5 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर। आयो बच्चों आपको समझ में आया होगा, और ट्रिक याद रखना मैं मोहनलाल नाई, ठीक है। जो मोहनलाल जो होता है एम इन टू होता है किसी चुंबक के लिए और कुंडली के लिए नाई होता है। बात करते हैं निर्वात के लिए सुग्राहिता, भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एयरफोर्स में पूछी गई है कि निर्वात की सुग्राहिता कितनी होती है, तो क्या होगा भैया 0 होती है, शून्य होती है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आर है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चालक के तार को एन समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा, भैया समान भागों में बांटना है, कितने भागों में, बिल्कुल इक्वल भागों में बांटना है। तो आर डैश का फॉर्मूला याद रखना है आर बाई एन होता है, कितना होता है आर बाई एन। मैं कह रहा हूं एक प्रतिरोध है जिसका 10 ओम है, प्रतिरोध कितना 10 ओम, उसे 2 समान भागों में बांटना है तो कितने कितने में बांटोगे 5 5 में। मैं कह रहा हूं उसे 5 समान भागों में बांटना है तो कितने में बांटोगे 2 2 में, क्योंकि 5 से भाग दी जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो ठीक है साथियों, आई होप आपको क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है ध्यान से समझो। एक तांबे के चालक तार की त्रिज्या पहले आधी और बाद में दोगुनी कर दी जाए, पहले तो त्रिज्या आधी करी फिर बाद में दोगुनी कर दी गई, तो कह रहा है कि प्रतिरोधकता कितनी होती है। सबसे पहले प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं, तो प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर अपॉन एल। बच्चों एक बात याद रखना, बेशक यहां पर हमारा क्षेत्रफल हो, बेशक हमारा यहां पर क्षेत्रफल हो, लेकिन जो प्रतिरोधकता है ओनली डिपेंड होती है ताप पर, किस पर, ताप पर, केवल ताप ही ताप पर डिपेंड होती है प्रतिरोधकता, ना प्रतिरोध पर डिपेंड होती, ना उसके त्रिज्या पर डिपेंड होती, ना उसकी लंबाई पर डिपेंड होती। तो चाहे त्रिज्या दुगनी करो, तिगनी करो, चौगुनी करो, प्रतिरोधकता कैसी रहेगी, नियत रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है परम शून्य ताप, कौन सा ताप होता है परम शून्य ताप, जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। परम शून्य ताप होता क्या है, जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो कितना होता है, होता है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है बच्चों -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट मान है, इससे नीचे कोई टेम्परेचर प्राप्त नहीं कर सकते आप। लिफ्ट पर खड़ा एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से, मतलब समरूप का मतलब होता है समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, तो आदमी का वजन, देखो अगर लिफ्ट का कॉन्सेप्ट बनता है तो अगर बात करते हैं समान त्वरण की, तो त्वरण का जब ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब नीचे आते हैं तो वजन कम प्रतीत होता है। लेकिन साथियों अगर समान वेग की बात करें तो इसके अंदर जो त्वरण होता है समान वेग का, वो त्वरण 0 होता है, जिसके कारण वजन में कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज होता है। केवल और केवल लिफ्ट किसके लिए मान्य है, समान त्वरण के लिए मान्य है, या तो समान त्वरण से ऊपर जाए या नीचे आए, तो जहां पर समान वेग आ जाए लिखा हुआ तो वहां पर समझ जाना लिफ्ट में कोई प्रभाव नहीं होने वाला किसी भी तरीके का, ना बढ़ेगा वजन ना वजन घटेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको आई होप समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, कि एक पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे 140 न्यूटन और 40 न्यूटन के बल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये दो जो कार्य कर रहे हैं बल उत्पन्न कर रहे हैं 140 न्यूटन को और 40 न्यूटन का, तो कह रहा है परिणामी बल। देखो मैंने तुम्हें पहले ही क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर तुम्हें F1 F2 का मान दे रहा है, तो उनका परिणामी बल दो तरीके से निकल सकता है, या तो वो मैक्सिमम पूछ सकता है तो मैक्सिमम प्लस करके निकलता है 180 न्यूटन आएगा, और या फिर वो मिनिमम पूछ रहा है, एक ही चीज पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें कोण ही नहीं दे रहा था, या तो लंबा था या समान था, तब पूछता, तो 140 माइनस के 40 बराबर 100 न्यूटन, या तो भैया ऑप्शन में 180 न्यूटन रहेगा या 100 न्यूटन रहेगा, जो सा भी रहेगा उसको टिक करना है, दोनों नहीं रहने के, कभी आप सोच रहे हो कि दोनों रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे,
किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। देखो त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको बढ़ाना पड़ता है वेग समय ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और अगर आपको त्वरण त्वरण उत्पन्न करना है तो कौन सा ग्राफ बनाना पड़ता है, वेग समय ग्राफ। लेकिन अगर मैं कहूं आपको वेग उत्पन्न करना है, क्या उत्पन्न करना है, वेग, तो उसके लिए बनाना पड़ता है भैया विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तो भैया ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को तुम याद रखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन से देखा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फैली गई वस्तु का अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम 100 मीटर है, तो उससे दोगुना द्रव्यमान की वस्तु की अन्य पिंड, मतलब दोगुना द्रव्यमान को की अन्य पिंड है, पहले पिंड के दोगुने वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई की बात करता हूं, एच मैक्सिमम होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, जब मैक्सिमम होता है तो 90 डिग्री पर सबसे ऊपर फेंका जाता है, तो u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। योग इसका कितना है, 100 मीटर। बच्चों इसने कहा है कि दो गुने वेग से, क्योंकि द्रव्यमान का तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, दो गुने वेग से, तो इसके दो गुने वेग से मतलब 4u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया दुगना वेग है, तो 2u का स्क्वायर 4u स्क्वायर। भैया u स्क्वायर अपॉन 2g कितना हुआ, ये भैया इधर का 100 मीटर, तो 100 × 400, तो 400 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो जाएगा उसकी, वो पहुंच जाएगा जहां वो पहुंच रहा था, कितने मीटर, 100 मीटर, तो वहीं पर वो कितने मीटर ऊंचाई पे पहुंचेगा बच्चों, 400 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए बच्चों अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एन स्टोन जो ए के ऊपर 0 लिखा होता है, इसका मतलब होता है एन स्टोन जो कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, और नैनोमीटर के बीच क्या संबंध होता है। ये इतने सारे रिलेशन लिखे हुए हैं, जो रिलेशन बिल्कुल सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन बनता है तो यार इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करा हुआ वो मिलना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, मेरे से पहले आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन सा होगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम की बात करता हूं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻¹⁰ मीटर, और चूंकि एक बात याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, तो मैं क्या मान करूं, मैं इसमें से भैया दोनों साइड 10-10 से गुणा कर दूं तो 10⁻⁹ मीटर ना बनेगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁹ मीटर, बना ही बना भैया 10⁻⁹ मीटर को मैं लिख सकता हूं 1 नैनोमीटर, तो हमारा रिलेशन बना कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। एलईडी का पूर्ण रूप, तो एलईडी का पूर्ण रूप लिख भी रखा भैया लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसका कार्य पूछता है, तो याद रखना इसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का, प्रकाश ऊर्जा में बदलने का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का। बात करते हैं परम शून्यता माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो मैंने तुम्हें अभी नहीं पाया था आज की मॉक टेस्ट के अंदर फिजिक्स के। बात करते हैं केल्विन में कितना होगा, तो भैया शून्य होगा, याद रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना होगा, शून्य होगा। बात करते हैं एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य किस कोटि की होती है, तो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मेरे भैया 1 एंगस्ट्रॉम होती है या 10⁻¹⁰ मीटर कोटि की होती है। भैया ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक साथ कैसे आ गए, भैया पूरे मॉक टेस्ट के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने एक साथ आपको कराए हैं, आए नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो शक्ति कितनी, तो बच्चों एक बात याद रखना P बराबर, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो तो होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर, लेकिन P बराबर होता है 1/FB होता है, लेकिन यो 1/F कब होगा जब F मीटर में हो, और हमारा एक फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F, और यो F सेंटीमीटर में होगा जब हमारा 100/F होगा, तो यह सेंटीमीटर में दे रखा तो 100/50 50 × 100, तो 2 क्या हुई डायोप्टर, हमारी क्या हुई शक्ति हुई। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ आगे चलते हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। तो साथियों हमारा जो 24 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, एक समान चुंबक के क्षेत्र, एक समान का मतलब समरूप चुंबक के क्षेत्र में रखे दृढ़ चुंबक पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। समान की बात करते हैं तो भैया इक्वल चुंबक के क्षेत्र ये वाले तो बनता है, बताओ मुझे, तो भैया इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया था ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो जब हमारा समान चुंबक क्षेत्र होता है तो उसके अंदर केवल एक ही काम करता है, एक इसके अंदर एक ही काम होता है, वो होता है बल आघूर्ण का, किसका काम होता है
गुण का काम होता है टोए का काम होता है, टोए बी बराबर होता है एन बी साइन थीटा, पता होगा आपको क्या होता है एन बी साइन थीटा। लेकिन इसके अंदर जो बल होता है अगर समान होता है तो बल होता है हमारा शून्य, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है शून्य। लेकिन अगर कहते हैं असमान की मतलब उल्टा सीधा चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके अंदर भैया बल भी होता है और बल आघूर्ण भी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर होगा। किसी द्रव के द्रव में किसी कोई द्रव है मान लिया पानी है, तो पिंड का कोई पिंड मतलब हम है या वस्तु है कोई, उसका डूबने का है ना किस बात पर निर्भर करता है, तो बच्चों निर्भर करता है पिंड वे द्रव के घनत्व के अंतर पर। जो वस्तु जो है ना वस्तु जो वस्तु है अगर वो घनत्व अपने से ज्यादा हटाएगी, अपने द्रव्यमान से ज्यादा पानी को हटाएगी तो वो कभी नहीं डूबने की। अगर अपने घनत्व सॉरी द्रव्यमान कह रहा अपने घनत्व से ज्यादा पानी को हटाएगी, पानी के घनत्व को ज्यादा रखेगी अपने घनत्व से, वो कभी नहीं डूबने की। अगर अपना घनत्व से कम पानी हटाया अपने आगे का तो वो वस्तु डूब जाती है। तो इसलिए साथियों ये पॉइंट आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है घनत्व का, ठीक है। तो आज ये साथियों इस वीडियो के अंदर मैंने 18-19-20 मिनट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं फिजिक्स के, हमें 25 क्वेश्चन को करने के लिए 20 ही मिनट का टाइम मिलता है फिजिक्स के अंदर, और मैंने आपको सोल्व कराए हैं। ये मॉक टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हमारी लाइव वीडियो चल रही थी, लाइव वीडियो नेटवर्क इश्यू के कारण नहीं हो पाई, लेकिन हमने ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं दे रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा है, बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस सेट है। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर आए हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों को और जोड़िए हमारे चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ज्वाइन करिए हमारी कोचिंग सेंटर डिफेंस स्टडी 2.0 जो कि मवाने के अंदर है, एकमात्र कोचिंग सेंटर जो कि डिफेंस एयरफोर्स नेवी और एनडी की तैयारी कराता है। और यहाँ तक कि नेट के लिए जो फिजिक्स का बैच है वो बिल्कुल सेपरेट बैच चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे से और भी जानकारी कोचिंग के बारे में ले सकते हो। तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, प्रैक्टिस सेट आपने किया। तो साथियों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।